दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि BTS एक ऐसा ग्रुप है जिसने डूबती हुई कंपनी को आज ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। और दोस्तों, ये डूबती हुई कंपनी कोई और नहीं बल्कि बिग हिट यानी हाइब लेबल सी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि रिसेंटली हाइब के चेयरमैन बैंक्सी ह्यूक ने अपनी एक न्यू वीडियो में BTS को काफी ज्यादा शुक्रिया बोला था। दोस्तों, यही नहीं बल्कि उन्होंने बताया था कि किस तरह BTS के बिना आज इस मुकाम पर पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। तो दोस्तों, रिसेंटली ही यानी नवंबर 10 को ही हाइब की एक वीडियो रिलीज हुई थी जिसका नाम था 2022 हाइब ब्रीफिंग विद द कम्युनिटी। दोस्तों, अक्सर इस वीडियो में हाइब के मेंबर्स आते हैं और वो अपने सभी आइडल्स या फिर कम्युनिटी को काफी सारी इम्पोर्टेंट चीजें और अपडेट्स देते हैं। हालांकि दोस्तों, उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने इतनी मुश्किलों के साथ अपने नाम को इतना बड़ा किया है और आज वो इस अचीवमेंट पर पहुंच पाए हैं। हालांकि दोस्तों, आर्मीज ने नोटिस करा कि जब हाइब के चेयरमैन बैंक्सी ह्यूक अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने बोला कि BTS हमेशा से उनके स्टार्टिंग पॉइंट रहे और उन्हीं की वजह से आज वो इतनी दूर आ पाए हैं। दोस्तों, यही नहीं बल्कि आर्मीज को ये चीज बहुत ही खास लगी कि सिर्फ और सिर्फ BTS को ही नहीं बल्कि उन्होंने आर्मीज को भी बहुत ही थैंक्स बोला। दोस्तों, बैंक्सी ह्यूक ने अपने इंटरव्यू में बताया कि BTS के फैंस यानी आर्मीज के बिना वो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बैंक्सी ह्यूक ने यह भी बताया कि BTS की वजह से ही वो इतने फेमस हुए और BTS के फैंस के सपोर्ट की वजह से ही आज वो इतने ज्यादा बड़ी कंपनी खड़ी कर पाए हैं। और आज भी अगर वो बात करें तो BTS उनकी कंपनी के सबसे बड़े पिलर्स हैं और उनके फैंस की वजह से ही वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आर्मीज को ये सब बातें काफी अच्छी लगी और उन्होंने नोटिस किया कि किस तरह बिग हिट की कंपनी हमेशा से ही BTS के साथ साथ आर्मीज को भी ढेर सारा प्यार देती आई है और हमेशा उनके लिए नई नई चीजें लेके आती रहती है। हालांकि दोस्तों, एक और गुड न्यूज तो ये थी कि उसी वीडियो में बैंक्सी ह्यूक के साथ साथ BTS के CEO पार्क जी वून ने ये भी बताया कि ये बात सच है कि BTS अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटीज पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन RM की सोलो एल्बम के बाद बहुत ही सारे लोग अपनी सोलो एल्बम रिलीज करने वाले हैं। साथ ही साथ हर एक मेंबर की बहुत ही सारी इंडिविजुअल एक्टिविटीज स्केड्यूल हो चुकी हैं, जिसके वजह से वो उम्मीद करते हैं कि आर्मीज उन्हें ढेर सारा प्यार देंगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया भर की आर्मीज काफी खुश हो गई थी और उनको ये चीज रियलाइज हुई कि BTS के साथ साथ बिग हिट भी आर्मीज से बहुत ही प्यार करती है। दोस्तों, आर्मीज ने काफी बार नोटिस किया है कि किस तरह BTS की वीडियोस में बहुत ही प्यारे प्यारे सबटाइटल्स लगाए जाते हैं, साथ ही साथ उनकी वीडियोस और एपिसोड्स को इस तरीके से एडिट किया जाता है जैसे उसे किसी आर्मी ने ही किया हो, जिसकी वजह से उन्हें देखने में काफी अच्छा लगता है, जिससे प्रूव होता है कि बिग हिट हमेशा आर्मीज के पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत ही ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये सभी गुड न्यूज आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।